नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए पांच ऐसे गार्ड डॉग लेके आया हूँ जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए रखे जा सकते हैं एज ए फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। ठीक है, यदि आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, पहली बार कोई डॉग रख रहे हैं और आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए डॉग रखना है, तो ये सारे के सारे डॉग आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों में से जो भी फर्स्ट कमेंट करेगा ना, 1 वीक तक जो भी फर्स्ट कमेंट करता है वीडियो को और शेयर करता है और स्क्रीनशॉट लेके यदि आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेजते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए कौन से डॉग एकदम बेस्ट रहेंगे। अब 5th नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो उन लोगों के लिए जिनके पास बड़ा घर है और वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए गार्ड डॉग ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट है फ्रेंच मैस्टिफ, जिसे डॉगी डे बोर्डियक्स भी कहा जाता है। ये बड़े घरों में रहने वाली ब्रीड है और फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी इसको हैंडल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्रेशन है वो ज्यादा नहीं होता या ये ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते। ठीक है, ये इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर में आता है और ब्राउन कलर या तो डार्क हो जाएगा जिसे रेडिश टाइप का बोल सकते हैं, या काफी लाइट हो जाएगा जिसे येलो इस टाइप का बोल सकते हैं। तो ये 3 कलर में हो जाता है डॉगी डे बोर्डियक्स। ठीक है, पहले के टाइम में ये क्या है, बड़े किले और वहां की सेफ्टी किया करते थे फ्रांस के अंदर। इंडिया के अंदर आप ये डॉग रख सकते हो यदि आपके पास बड़ा घर है तो। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है डॉलमेशियन। जिन लोगों को ऐसा डॉग चाहिए जो एकदम लो मेंटेनेंस हो और काफी सस्ता मिल जाए, क्योंकि हर किसी का बजट लाख 2 लाख के डॉग का नहीं होता। ठीक है, हर एक आदमी का अपना बजट होता है, वो उसी के हिसाब से डॉग परचेज करता है या अडॉप्ट करता है। तो जिन लोगों को एकदम सस्ता डॉग चाहिए जो काफी लो प्राइस में मिले और एकदम लो मेंटेनेंस हो, सिक्योरिटी पर्पज के लिए हो, तो डॉलमेशियन आप आंख बंद करके ले सकते हो। ये डॉग ब्रीड अगर आपके पास थोड़ा बड़ा घर है या मीडियम साइज का घर है वहां आप रखिए, फ्लैट में ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। अगली जो डॉग ब्रीड है वो है इंडियन स्ट्रीट डॉग। यकीन मानिए मेरे दोस्त, इंडियन स्ट्रीट डॉग जो है ना वो आपके लिए एकदम बेस्ट है यदि आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो। वो आपको हर तरीके से ट्रेंड कर देगा, आप उस डॉग को ट्रेंड नहीं करोगे, वो डॉग आपको ट्रेंड कर देगा कि डॉग के साथ कैसा बिहेव करना है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, इंडियन स्ट्रीट डॉग एडोप्ट कर सकते हैं, फ्लैट्स में रख सकते हैं, मीडियम साइज के घर में रख सकते हैं, और यदि बड़ा घर है तो वहां भी आप रख सकते हैं। एकदम लो मेंटेनेंस है, कोई आपको पता ही है कोई मेंटेनेंस इसका आने वाला है नहीं, हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं आने वाले, क्योंकि इंडियन डॉग ब्रीड है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपको बार बार बैठ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो आप इंडियन स्ट्रीट डॉग भी एडॉप्ट कर सकते हैं। अगली जो डॉग ब्रीड है वो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्री है उनमें आर्म फोर्स में, पुलिस में एज ए K9 डॉग यूज हो रहा है अलग अलग काम के लिए, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, बॉम्ब डिटेक्शन या पेट्रोलिंग के लिए, तो अलग अलग टास्क के लिए इस डॉग को ट्रेंड किया जाता है। इनफैक्ट हमारी इंडियन आर्मी और इंडिया की जो अलग अलग स्टेट है उसकी पुलिस भी इस डॉग को यूज में ले रही है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे होंगे मैं किस डॉग की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड एज ए फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए बेस्ट चॉइस है। घर में आपके छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी काफी केयरिंग तरीके से रहेगा, बुजुर्ग है उनको भी ज्यादा तकलीफ नहीं देता। यकीन मानिए जर्मन शेफर्ड बहुत बहुत ज्यादा लविंग ब्रीड है, इंटेलिजेंट है, वर्ल्ड की मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में नंबर 2nd पे आता है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, और जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यदि आप एक 16 लाइन का जर्मन शेफर्ड देख रहे हैं तो उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, केयर अच्छे से करनी है। ठीक है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता तो उसको वायरस से बचा के रखना है। ठीक है, कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उससे बचा के रखना है, पार्वो ना हो जाए उससे बचा के रखना है स्टार्टिंग के अंदर। यदि आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, अच्छे से केयर कर सकते हैं, तो ही आप 16 लाइन का जर्मन शेफर्ड लीजिए। यदि आप वर्किंग लाइन का जर्मन शेफर्ड लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, 16 लाइन के जर्मन शेफर्ड थोड़ा उनका मेंटेनेंस आता है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा आएगा, हाई मेंटेनेंस नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसका खर्चा आएगा, उसके बालों की केयर करना और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब 1st नंबर पे जो डॉग ब्रीड है वो एकदम बेस्ट है, जिन लोगों को थोड़ा यूनिक डॉग रखना है उनके लिए बेस्ट है, जो लो मेंटेनेंस डॉग रखना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, और फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है उनके लिए बेस्ट है, तो ये है बॉक्सर डॉग।
बॉक्सर डॉग यकीन मानिए एकदम लो मेंटेनेंस आता है। फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो तो आप रख सकते हो एज ए गार्ड डॉग सिक्योरिटी के लिए। आपके पास मीडियम साइज का घर है, लार्ज साइज का घर है, दोनों में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। फ्लैट में यदि आप रहते हो और कॉम्पैक्ट साइज का आपका फ्लैट है या स्मॉल फ्लैट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉक्सर को डेली सुबह शाम ट्रेनिंग रनिंग अच्छे से करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी हाई एनर्जेटिक डॉग होता है, तो ये भागना दौड़ना खेलना इसको बहुत पसंद है। ट्रेंड आप कर सकते हो, थोड़ा बस मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया कि प्लेफुल डॉग ब्रीड ज़्यादा है, इसको खेलना ज़्यादा पसंद है, इसलिए घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बॉक्सर जो डॉग ब्रीड है यकीन मानिए अगर आपने बॉक्सर घर में रखा है तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं, खेलने कूदते रहते हैं और हर किसी को हैप्पी रखते हैं। तो ये कुछ गार्ड डॉग थे, पांच ऐसे गार्ड डॉग जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप रख सकते हो एज ए फर्स्ट टाइम डॉग ओनर। इनके अलावा कोई डॉग ब्रीड नहीं रखनी। कुछ लोग बोलते हैं रॉटविलर रख लो, ट्रेंड कर दोगे फिर आप रख लोगे, डॉबरमैन रख दो है ना, या हिमालयन गद्दी डॉग है वो आप रख सकते हो। तो ये डॉग फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी रखते हैं, मैंने काफी देखे हैं। मैंने भी पहली बार रॉटविलर ही रखा था, लेकिन उसके ऊपर पूरी स्टडी करनी पड़ती है, उसको अच्छे से टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ये डॉग हर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं होते, क्योंकि ये डॉग यदि गलत हाथ में पड़ जाते हैं तो फिर सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा खतरा कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि जो मैंने पांच गार्ड डॉग पहले बताए आप उनमें से कोई रखते हो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।